हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल द हाइफ स्टडी में। सो गाइज, अभी की जो हम रिक्रूटमेंट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं वो रहने वाली है जूनियर इंजीनियर 2021। सो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, प्लीज़ आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट हुए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी कोई भी जॉब के रिलेटेड अपडेट हो वो आपसे ना छूटे। सो गाइज, वीडियो 2 से 4 मिनट का होने वाला है, तो बिना स्किप किए वो पूरा वीडियो वॉच करें, क्योंकि अपने फ्यूचर को 5 मिनट देने के लिए तो कम से कम आप रेडी हैं, ठीक है गाइस। लिए तो मैं चाहता हूं कि सारे स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच करें, मेरी आने वाली हर एक वीडियो को वॉच करें, क्योंकि जॉब के रिलेटेड हम हमेशा अपडेट लेकर हमारे चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराते रहेंगे। सो गाइस, चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो और आप बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। गाइज, जैसे कि हमने आपको बता दिया कि जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2021 की इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली है वो आपको हम बता दें, 18 जून 2021 इनका जो ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा, 8 जुलाई 2021 इनका लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है गाइज, लास्ट पेमेंट फीस कैसे फिल करनी है वो भी, उसका भी लास्ट डेट 8 जुलाई 2021 को है गाइज। बहुत बढ़िया ही डेट है, आपके पास बहुत ही अच्छा समय है, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए रेडी रहिए, अपना पेन कॉपी पेंसिल सब कुछ तैयार करके आप इस डेट को नोट कर लीजिए, ठीक है गाइज। सो कैसे इसको ऑनलाइन फिल करना है, कितने वैकेंसी रहने वाली है वो सब हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। सो गाइज, अभी हम आपको बता दें कि वैकेंसी कितनी रहने वाली है। सो गाइज, वैकेंसी कितनी रहने वाली है वो पूरी हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो गाइज, अभी हम आपको बता दें कि जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल की हम बात बताएं, 300 रहने वाली है गाइज। पेमेंट क्या रहने वाली है, पे स्केल रहने वाले 37,000 पर मंथ, ठीक है गाइज। सो गाइज, जूनियर इंजीनियर सिविल की हम बात करें तो 52 वैकेंसी निकल कर सामने आ रही है और उनका पे स्केल भी 37,000 पर मंथ रहने वाला है। टोटल वैकेंसी की बात करें हम, 352 वैकेंसी आपके समक्ष हम उपस्थित कर रहे हैं। सो गाइज, इसका एज लिमिट क्या रहने वाला है, आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, फुल टाइम रेगुलर जैसे भी आपने बीटेक करा है, ठीक है गाइज, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, बीई करा तो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और एज लिमिट आपकी हम बता दें अंडर 35 ईयर ओल्ड, ठीक है गाइज। तो आपने कैसे चेक करना है, अपना एज कैलकुलेट करना है, 10th जून 2021 से अपने एज को कैलकुलेट कर लीजिएगा। सो गाइज, अभी बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, अभी इंपॉर्टेंट जानकारी हम आगे आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो गाइज, जैसे कि अभी हम आपको बताने वाले हैं इंजीनियर की जो एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है, अगर ओपन से हो, EWS से हो, तो आपने 500 पे करना है गाइज, ठीक है गाइज, ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहनी है। ST/ST के लिए हम बता दें 250 रहने वाला है। तो पेमेंट कैसे आपने पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई सा भी कार्ड आप यूज़ करके आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात निकल के आती है, तो आपने फॉर्म कैसे फिल करना है, तो अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिए, आपने करना क्या है, यहाँ पे इनका ऑफिशियल वेबसाइट है गाइज, ठीक है, आपने यहाँ पे विजिट करना है www.getcogurat.gujarat.com, ठीक है गाइज। सो गाइज, अभी हम आपको बता दें कि बहुत जॉब लोकेशन आपको पता चल ही गया होगा, बहुत ही प्यारी जॉब लोकेशन है गुजरात, ठीक है गाइज, गुजरात बहुत ही बढ़िया लोकेशन है गाइज। सो गाइज, इनका सिलेक्शन कैसे रहने वाला हम आपको बता दें, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन लाइन एग्जाम रिटर्न टेस्ट रहने वाला गाइज। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ चुका है, तो आपसे अनुरोध है, तो हम हमेशा ही ऐसी हर स्टेट से अपडेट लेकर हम आते रहते हैं, तो आप किसी भी स्टेट से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। सो गाइज, वीडियो को लाइक और शेयर करके इनकरेज करिएगा, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।